बोर्ड एग्जाम में कुछ भी ना आए तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, ये समस्या हर स्टूडेंट्स के साथ होती है। जब भी आप पेपर देने गए होंगे या कोई भी बच्चा जब भी पेपर देने जाता होगा, तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि उन्हें सारे क्वेश्चंस आते होंगे, या किसी किसी की हालत तो इतनी बुरी होगी उन्हें पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। उनका पेपर देख के उनके दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया होगा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये क्या पेपर में आ गया, मुझे तो पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आप कर क्या सकते हो दोस्तों? देखिए, अब घर तो आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि 3 घंटे तो आपको निकालना ही निकालना है किसी भी हालत में। चाहे कुछ भी करो आप, 3 घंटे तो आपको रहने ही रहने हैं, और आपको पेपर में कुछ आ नहीं रहा है, और आपके लिए एक एक मिनट आपके लिए काटना पहाड़ हो रहा है। तो आप उस स्थिति में आप कर क्या सकते हो? देखिए, तो उस स्थिति में आपका दिमाग, आपके पास जो माइंड है, वही आपका काम आने वाला है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर पेपर में कुछ नहीं आ रहा तो क्या करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक दूंगा, अच्छी टेक्निक दूंगा, जिनकी मदद से अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप पेपर में पासिंग मार्क्स ले आओगे, या पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छा ले आओगे, अगर और थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज कर लिया, अगर आपने टेक्निक अच्छे से समझ ली दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुद्ध नॉलेज में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जब भी आपको पेपर में कुछ ना आए और आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी बत्ती गुल हो चुकी है कि यार मुझे करूं तो करूं क्या, तो उसमें आपकी 3 ही चीज काम आने वाली है: आपका खुद पर कॉन्फिडेंस, आपकी थिंकिंग और आपकी मास्टरमाइंड टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों का यूज करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पूरा पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, लेकिन कैसे? तो देखिए, 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो वो होते हैं कि जिन्हें पेपर में थोड़ा बहुत आ रहा होता है, दूसरा उस तरह के होते हैं जिन्हें पेपर में पूरा पेपर ही अच्छे से आ रहा होता है, और तीसरा वो होता है जिन्हें पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा होता है और उनके लिए एक एक मिनट मतलब ऐसा लगा है काटना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो उनके लिए सबसे जो पहली टेक्निक वो यूज करेंगे, वो करेंगे आंसर फ्रेमिंग टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, आंसर फ्रेमिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके आप बड़े से बड़े लॉन्ग आंसर आप लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो हर क्वेश्चन ना किसी कीवर्ड के अराउंड घूमता है, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई कीवर्ड होता है जिसके अराउंड पूरा आंसर घूमता है। तो बस आपको उस कीवर्ड को पकड़ना है। जैसे अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके कारण हुआ था? हिटलर के कारण हुआ था। तो बस आपको, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा का पूरा हिटलर के अराउंड ही घूमा है, तो बस आपको हिटलर को कीवर्ड मान करके आपका आंसर लिखते चलना है कि हिटलर ने इस पर आक्रमण किया, हिटलर ने उस पर आक्रमण किया, हिटलर ने ये किया वो किया। इस तरह से आपको अपने आंसर को लंबा करना है। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पूरा इनर्शिया पर बेस्ड है। तो बस आपको इनर्शिया को कीवर्ड मान करके अपना आंसर लिखते चलना है। और आपको देखिए, ये ना आपको आंसर खुद से बनाने पड़ेंगे, लैंग्वेजेस आपको खुद से बनाने, एक कीवर्ड पकड़ लेना है आपको, उसके बाद आपको लंबा चौड़ा करते जाना है। और देखिए, एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो शुरू के 2-3 लाइन ही पढ़ते हैं, बाद उनके पास इतना टाइम नहीं कि पूरे आपका एक एक लाइन को बारीकी से चेक करें, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो शुरुआत के 2-3 लाइन ही देखेंगे, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक लाइन को बारीकी से पढ़े। तो आपको बस अपनी हैंडराइटिंग अच्छी कर देनी है और आपको आंसर को थोड़ा लंबा कर देना है, आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसमें मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो बस आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड ध्यान में रखना है, बस आपको ये देखना है कि यार इस क्वेश्चन में क्या कीवर्ड हो सकता है। अगर आपने कीवर्ड ढूंढ लिया तो समझ लो कि आपका आधा काम हो गया, बस आपको लिखना है उस पर आंसर। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आंसर फ्रेमिंग टेक्निक का यूज करना है। दूसरी टेक्निक है विजुलाइजेशन मेथड। देखिए, विजुलाइजेशन मेथड का यूज करके भी आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आपने कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्शन का डायग्राम तो देखा होगा, इमेज तो देखे होंगे। अब आपको थियोरेटिकली कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको डायग्राम पता है, तो आप डायग्राम के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने आंसर को लिख सकते हो दोस्तों। तो एक विजुलाइजेशन मेथड भी एक अच्छा यूज है अपने आंसर को लिखने का। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, इमेज बना देना, और इमेज से जो जो आपने पॉइंट डाला इमेज में, उसी पॉइंट से आपको आंसर लिख देना है दोस्तों। बस आपको घबराना नहीं है, जो भी आपको आंसर आ रहा है दिमाग में, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, बस आपको उसको लिखते चलना है दोस्तों। बस आपको कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना, आपको ये बोलना है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ इसका आंसर, तो आप जरूर लिखोगे दोस्तों, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है एग्जाम में, आपको कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देना है। तो दोस्तों, ये कुछ टेक्निक्स थी जिनकी हेल्प से आप अपना आंसर लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम में कुछ भी ना आ रहा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।